हेलो एवरीवन, आज इन टुडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट KVPY विच इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। मैं सौरभ कुमार विद्यामंदिर क्लासेस से आज आपके सामने हर वो चीज़ KVPY एग्ज़ाम के बारे में लेके आ रहा हूँ जो जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है आपके लिए जानना, कि क्या कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इस एग्ज़ाम को देने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो कौन कौन स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकता है, और इस एग्ज़ाम को देने के सिर्फ क्या बेनिफिट्स फेलोशिप है या इसके अलावा भी कोई और बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से हम अप्रोच करें, कौन से बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसके लिए ये कम फ़ायदेमंद है, सारी के सारे जितने भी पॉइंटर्स इसके अंदर हैं, हम सारे की सारी चीज़ें आज इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन KVPY को लेकर हो, किसी भी तरीके का, जो आप चाहते हैं कि विद्यामंदिर क्लासेस आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप लोग जो दिए गए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं बाद में आपको ब्लॉग पोस्ट का भी एक ऑप्शन दूंगा जिसके थ्रू आप हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि KVPY, जिसे कहते हैं हम लोग किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, किसके लिए स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर आके बात करते हैं। ये एग्ज़ाम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, DST, उस डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया। 1999 में इसको स्टार्ट किया, यानी 20 साल पुरानी बात ये हो गई जब इस एग्ज़ाम को स्टार्ट किया गया। ये एग्ज़ाम क्यों स्टार्ट किया गया, ये एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया फेलोशिप देने के लिए उन बच्चों को जो कि प्योर साइंसेज में अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं, यानी जो बच्चे आगे जाके साइंसेज में स्टडी करना चाहते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि साइंस की हायर लेवल की स्टडीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि KVPY एग्ज़ाम को कराया जाए। इसको कौन कराता है, इस एग्ज़ाम को कराता है IISc बेंगलोर। आप शायद जानते होंगे कि साइंसेज में जो सबसे प्रीमियम कॉलेज इंडिया के अंदर माना जाता है वो है IISc बेंगलोर। अगर आपने अभी देखा हो तो जो वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है उसमें IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली और IIT मुंबई, इन तीनों को उसके अंदर जगह मिली है। तो IISc बेंगलोर इस लेवल का जो है साइंस कॉलेज है। तो IISc बेंगलोर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। किन बच्चों के लिए कंडक्ट कराता है, कैसे होता है, हम चल के इसमें अभी बात करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है और कौन इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है। सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझने की, कि ये दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया। यानी ये एग्ज़ाम क्या कह रहा है, ये एग्ज़ाम कह रहा है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो भारत के बच्चे हैं और इंडिया के अंदर ही पढ़ना चाहते हैं, भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम है। कौन कौन एग्ज़ाम को दे सकता है, SA स्ट्रीम का एग्ज़ाम क्लास 11th में, जो बच्चे इस समय क्लास 11th में होंगे वो बच्चे SA स्ट्रीम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लास 12th के बच्चे जो SX स्ट्रीम हैं, जो बच्चे इस समय करंटली क्लास 12th में हैं, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और SB स्ट्रीम जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, तीन तरीके के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सबसे पहले वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जो इस समय करंटली क्लास 11th में है। दूसरा कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, जो करंटली इस समय क्लास 12th में है। और तीसरा कौन दे सकता है, जो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, बेसिक साइंसेज के ग्रेजुएशन के BSc या BS के फर्स्ट ईयर में है, या इंटीग्रेटेड MSc के फर्स्ट ईयर में है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो जो 11th में बच्चे हैं वो कहलाएगा SA स्ट्रीम का एग्ज़ाम, जो 12th में बच्चे हैं वो कहलाएगा SX स्ट्रीम का एग्ज़ाम, और जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो 3 ईयर कोर्स में हैं या 5 ईयर कोर्स में हैं, उनके लिए कहलाएगा SB एग्ज़ाम।
ये एग्ज़ाम हमेशा याद रखिए, ये एग्ज़ाम हमेशा अभी तक नवंबर के फर्स्ट संडे को होता है, ये एग्ज़ाम हमेशा नवंबर के फर्स्ट संडे को होता है, यानी इस साल ये एग्ज़ाम जो होगा वो 3 नवंबर को होगा। ऐसे अगर आने वाले किसी भी साल में आपको इस एग्ज़ाम को देखना है तो सिंपली आप कैलेंडर उठाइए और नवंबर का फर्स्ट संडे देख लीजिए, नवंबर के फर्स्ट संडे को ये एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम का अब आगे इसको और डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न है, क्या मार्किंग स्कीम है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, जो 11th में हैं वो कैसे तैयारी करें, जो 12th में हैं वो क्या करें, जो जो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं वो किस तरीके से तैयारी करें, तो देखते हैं कि एग्ज़ाम क्या है। एग्ज़ाम में दो प्रोसेस है, दो स्टेज का प्रोसेस है। एक है एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रिटन एग्ज़ाम है, एक है एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रिटन एग्ज़ाम है, और जो बच्चे इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं उनके लिए उसके बाद इंटरव्यू है। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नवंबर के फर्स्ट संडे को ये एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू जो है वो करीब जनवरी फरवरी में इसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है। तो जनवरी में फरवरी में इंटरव्यू और नवंबर के फर्स्ट संडे को एग्ज़ाम, दो स्टेज का प्रोसेस है। पहले आपको रिटन देना है, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, जो कि जो भी डेट इंटरव्यू की आपको बताई जाएगी उस डेट पे, जो भी लोकेशन आपको बताई जाएगी उस लोकेशन पे जाके आपको वो इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से है। अगर आप देखिए कि हम ये मैं आपको और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ यहाँ पे कि ऐसे तो एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो इस समय क्लास 11th में है, और SB और SX जो है जो 12th वाले बच्चों के लिए हैं और जो अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में हैं, ग्रेजुएशन का पहला साल जैसे मैं फिर से डिफाइन कर दूं, BSc या BS फर्स्ट ईयर में या इंटीग्रेटेड MSc जो 5 साल का कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में आप हैं तो उसके लिए SB एग्ज़ाम है। तो SB और SX के लिए पेपर एक ही आता है, SB और SX के लिए पेपर एक ही आता है, ऐसे के लिए पेपर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ऐसे के लिए पेपर डिफरेंट होता है, SB और SX का जो पेपर है वो एक होता है। ये पेपर CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ये पेपर ऑनलाइन मोड में देना है आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, ऑफलाइन पेन एंड पेपर नहीं है, कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो कंप्यूटर सेंटर पे जाके, जो आपका सेंटर अलॉकेट किया जाएगा उस सेंटर पे जाके आपको इस इम्तहान को, इस एग्जाम को देना है। कितने घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, कितने घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है। ऐसे जो 11th क्लास के बच्चों का एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, और जो 12th क्लास का या जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है यानी SB और SX स्ट्रीम का एग्ज़ाम जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो मैंने आपको टाइमिंग्स यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं कि नॉर्मली हर साल इसी टाइम पर एग्ज़ाम होता है। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं, देखिए दोनों ही पेपर में अलग अलग विधि है क्वेश्चंस की, मैं आपको आगे चल के अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। ये मान के चलिए कि जो SA का पेपर है या SB SX का पेपर है, दोनों ही पेपर जो हैं 100 मार्क्स के हैं, ठीक है, दोनों ही पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं, चाहे वो SA का हो, चाहे वो SB का हो और SX का हो। जैसा मैंने आपको बताया SA का एक पेपर है, SB और SX का एक पेपर है, ठीक है, चाहे आप उसको स्ट्रीम नाम अलग अलग दे दिया है, SX उस स्ट्रीम को नाम दे दिया है जो 12th में है और SB उस स्ट्रीम को नाम दे दिया है जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, बट पेपर जो है वो दोनों का सेम है और दोनों ही पेपर के मार्क्स जो हैं वो 100 ही हैं, ठीक है, चाहे वो SA का हो और चाहे वो SB का हो। अब हम देखिए ये पेपर का पैटर्न है कि किस तरीके से हम ये देते हैं, किस तरीके से इसमें से चॉइस किया जाएगा क्वेश्चंस का, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोर्ड पर, तो मेरे को लगता है शायद ज़्यादा बेटर तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि किस तरीके से ये है। तो देखिए ऐसे जो है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ऐसे जो स्ट्रीम है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए है, जो मैंने आपको बताया इसमें पार्ट ए या पार्ट वन जो भी आप इसको कहें, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात
क्लास 11th के बच्चे चाहे वो मैथमेटिक्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हों और चाहे वो बायो स्ट्रीम से पढ़ रहे हों, ये चारों टेस्ट उनको देने हैं, चारों सेक्शन उनको करने हैं। यानी मैथ वाले बच्चे को बायो के क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं और बायो वाले बच्चे को मैथ के क्वेश्चन भी आंसर करने हैं, ऐसे के लिए जो 11th क्लास का है। कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें? 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15। तो कितने हो गए क्वेश्चन? 60 क्वेश्चंस हो गए और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 marks, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 marks। तो 60 × 1 इज इक्वल टू 60 marks का ये पार्ट ए हो गया। ठीक है, अब इसमें पार्ट बी जो दूसरा पार्ट है, इसमें फिजिक्स के फिर से पांच क्वेश्चन, यानी फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, मैथ्स के 5 और बायो के 5। यानी कितने क्वेश्चन हो गए? ये हो गए 20 क्वेश्चन टोटल। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चंस हो गए टोटल, और हर क्वेश्चन जो है 2 marks का है यहाँ पे। तो यानी 20 × 2 इज इक्वल टू 40 marks। यानी जो सेक्शन ए है वो 60 marks का है, जो सेक्शन बी है वो 40 marks का है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स, जैसा मैंने आपको कहा कि चाहे कोई भी पेपर हो वो मार्क्स 100 ही हैं, तो ये मार्क्स जो हैं आपके कितने हैं? 100 मार्क्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर कितने हैं? 100 मार्क्स हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि मार्किंग स्कीम कैसी है। 25% निगेटिव मार्किंग है। कैसी है? 25% निगेटिव मार्किंग है। 25% निगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं यहां पे सेक्शन ए में तो आपको +1 marks मिल रहे हैं, क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं सेक्शन ए में तो आपको -0.25 मिलते हैं। और यहां पे अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो जैसे आपने देखा आपको +2 marks मिलते हैं, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -0.5 marks मिलते हैं। तो यह है ऐसे का जो क्लास 11th में बच्चे अभी हैं, या जो 11th क्लास के बच्चे जब भी KVPY का इम्तिहान देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में जब वो क्लास 11th में हैं, तो इस तरीके का सिचुएशन है। आप ऐसे देख सकते हैं, एक तरीके से अगर हम इसको समराइज करें तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और बायो के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट पहले 15 क्वेश्चन के मार्क्स 1 हैं, बाद के 5 क्वेश्चन जो है वो 2 marks का है। तो टोटल 100 marks का जो पेपर है वो इस तरीके से आपका SA का पेपर होगा जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए। अब हम देखते हैं कि SB जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, उनका पेपर क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर देखते हैं कि क्लास हम इसको कर देते हैं यहाँ पर SB और SX, यानी ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम SX हो या SB हो, दोनों के लिए एक ही बात है। किन के लिए हैं? क्लास 12th और फर्स्ट ईयर, क्लास 12th और फर्स्ट ईयर ऑफ ऑफ BS BSc या इंटीग्रेटेड MSc। इसमें से किसी भी आप क्लास में हैं तो आपको आप SB या SX का पेपर देंगे। यहाँ पे जो पेपर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हैं देखिए। सबसे इसमें जो खास बात है वो ये है कि जब आप SB या SX का पेपर देते हैं, SB या SX का पेपर देते हैं, तो बायो वाला बायो का पेपर देगा और मैथ वाला मैथ का पेपर देगा। यहाँ पर ये नहीं है ऐसे की तरह कि आप जो है अगर बायो के हैं तो भी मैथ्स का देना है और मैथ्स के हैं तो भी बायो का देना, नहीं। यहाँ पे अगर आप बायो के हैं तो आपको बायो के क्वेश्चन देने हैं, अगर आप जो है मैथ्स के हैं तो आपको मैथ्स के क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के जो हैं इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 20 आएंगे पार्ट ए में, और मैथ्स के भी 20 आएंगे और बायो के भी 20 आएंगे। बट यहाँ पे आपके लिए है कि आपको मैथ और बायो में से कोई एक चीज लेनी है, मैथ और बायो में से कोई एक चीज लेनी है। यानी आपके पास क्वेश्चन जो हुए वो 60 ही हुए। क्वेश्चन कितने हुए? अभी भी
60 ही हुए और मार्क्स कितने हुए 60 ही हुए, तो 60 इंटू 1 इज अगेन 60 मार्क्स का आपका जो है वो पार्ट ए हो गया। अच्छा पार्ट बी में कैसे आते हैं क्वेश्चन, पार्ट बी में आते हैं 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन मैथ्स या 10 क्वेश्चन बायो। इसमें से चार सेक्शन में से देखिए बहुत बढ़िया ये पार्ट बी का गेम है, यहां पर इसको बहुत ध्यान से समझना है। पार्ट बी में फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन हैं और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन हैं। हमें इसमें से कोई भी सिर्फ दो सेक्शन करने हैं, क्या करने हैं हमें इन चार में से सिर्फ एनी टू सेक्शंस, कोई भी दो सेक्शन करने हैं, चारों सेक्शन नहीं करने हैं, तीन सेक्शन भी नहीं करने हैं, जैसे पार्ट ए में तीन सेक्शन करने थे। पार्ट ए में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, मैथ्स और बायो में से कोई एक लेना है तो हम मैथ्स वाले मैथ्स लेंगे, बायो वाले बायो लेंगे। यहां पे दो सेक्शन चूज करने हैं, सिर्फ दो सेक्शन चूज करने हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री मैथ चूज कर लीजिए, चाहे आप मैथ फिजिक्स चूज कर लीजिए, चाहे आप बायो केमिस्ट्री चूज कर लीजिए, जो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है वो आप बना लीजिए, बट मैथ वाले मैथ का देंगे, बायो वाले बायो का देंगे, राइट। तो यानी इसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं, यहां पे आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं, राइट। और यहां पे क्वेश्चन कितने का है, 2 मार्क्स का है, तो फिर से ये कितने का हो गया, 40 मार्क्स का हो गया, यानी टोटल मार्क्स 60 प्लस 40, अभी भी टोटल मार्क्स कितने हैं 100 ही हैं, 60 प्लस 40 टोटल मार्क्स कितने हैं 100 ही हैं। अभी भी जो मार्किंग स्कीम है वो सही वही है कि सही क्वेश्चन के लिए +1 यहां पे पार्ट ए के लिए, गलत के लिए -0.25 यानी 25% नेगेटिव मार्किंग, यहां पे भी सही क्वेश्चन के लिए +2 और गलत क्वेश्चन के लिए -0.5, यानी हम कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25%, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25%, राइट। तो ये किस तरीके से पेपर जो है आपके सामने आएगा और आपको उस पेपर को करना है, राइट। तो ऐसे का मैंने आपको बता दिया, SB का मैंने आपको बता दिया और SX का मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन का सिनेरियो है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो इस क्वेश्चन के सिनेरियो को आप देख सकते हैं, सेम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये अदर पैटर्न का क्वेश्चन का है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके लिए क्लियर है। फिर भी आप एक बार इस स्लाइड को अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन किसमें हैं, वैसे मैंने बोर्ड पर लिख के आपको इसको समझाया है। अब बात आती है कि क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो देखिए रिवॉर्ड क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है कि जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं तो आपको मिल रहे हैं 5,000 rupees पर मंथ और एनुअली कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 20,000, एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 20,000, राइट। आप अगर फोर्थ ईयर और फाइव ईयर यानी MSc के जो फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर है वहां पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है 7,000 rupees की और एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट मिल रही है 28,000 rupees की, राइट। तो ये स्टाइपेंड है जो आपको मिलेगा अगर आप KVPY के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यानी रिटन और एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर 5,000 प्लस एनुअली 20,000 और MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड MSc मंथली स्टाइपेंड ऑफ 7,000 एंड एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 28,000 rupees, तो इतने आपको पैसे मिलेंगे। अब बात आती है क्या सिर्फ पैसे ही KVPY को क्वालिफाई करके सिर्फ एक पैसे ही मिलते हैं या और भी कोई फायदे होते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट ऐसा सोच सकते हैं कि भाई 5,000 रुपये 7,000 रुपये या 20,000 रुपये साल या 28,000 रुपये साल हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसके लिए इस एग्ज़ाम को दें, नहीं। तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, क्या और बेनिफिट्स हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आप को पैसे मिलेंगे, फेलोशिप मिलेगी, फेलोशिप का मतलब ही होता है कि आपको जो है अमाउंट मिलेगा कुछ। उसके अलावा समर कैंप्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे स्ट्रीम वाले बच्चे, SA स्ट्रीम वाले बच्चे अगर सोचें कि
जो है हम 11th क्लास में KVPY क्यों दें, तो 12th क्लास के समर कैंप, समर कैंप्स, राइट। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो जिसको KVPY रिकग्नाइज करती है, उसके अंदर जाके आप समर कैंप्स अटेंड कर सकते हैं, जिन समर कैंप्स के अंदर साइंस के डिस्कशंस होते हैं, उनकी लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी लैब्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट जो है वो समर कैंप का है, ठीक है। तो समर कैंप का अगर आप बेनिफिट देखेंगे कि समर कैंप में क्या है कि आप किसी भी जो रिकग्नाइज्ड लैब्स हैं, जैसे NCL होती है, NPL होती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज जो है, यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं इनका, इनकी लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर आप अगर आप इसकी फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ इसके अंदर है, उन फैसिलिटीज़ को आप समर में यूज़ कर सकते हैं, और जो भी साइंस के डिस्कशन कैंप्स होते हैं उनको आप उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जितने बच्चे जो हैं KVPY को क्वालिफाई करते हैं, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है कि आप KVPY स्कॉलर हैं। वो कार्ड कैसा है, जैसे आप देखेंगे कि बड़े सारे प्रिविलेज कार्ड्स होते हैं आपके पापा के पास, आपके पेरेंट्स के पास, जो पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके पास काफ़ी प्रिविलेज कार्ड्स होते हैं कि आप एयरपोर्ट की लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं, आप गोल्फ क्लब एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ये KVPY का आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो KVPY स्कॉलर बनने के बाद आपको मिलता है। उस आई कार्ड को दिखा के आप जितनी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर उनकी लाइब्रेरी, उनकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं, लैब से लेके जो भी फैसिलिटीज उसके अंदर अवेलेबल हैं, वो सारी फैसिलिटी आप एक्सेस कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए बिना। आप उसकी सारी फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो साइंस के लिए जो बच्चे हैं, जो काफ़ी इसके लिए सोचते हैं साइंस के बारे में, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हमारे जैसे विद्या मंदिर के अंदर ही IIT में बड़ी बड़ी अच्छी रैंक लेके आते हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो बड़ी अच्छी रैंक लेके आते हैं और फाइनली जब चूज़ करते हैं तो कहते हैं कि सर हमें, या भैया हमें इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, हम जो है 5-year कोर्स फिजिक्स में करना चाहते हैं, या हम 5-year कोर्स जो है वो केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं। तो ये सब उन सब के लिए जो है वो वैलिड हैं चीज़ें। तो आप मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आप IIT कानपुर में जो है वो इंटीग्रेटेड फिजिक्स कर रहे हैं 5 साल का, और KVPY स्कॉलर हैं आप, है ना, और आप मान लीजिए घूमने कभी बॉम्बे चले गए तो आपने IIT बॉम्बे की लैब्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। आप मान लीजिए जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ पे आप जाके उनकी लैब्स को, उनकी जो भी लाइब्रेरी है या और फैसिलिटीज़ हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज कार्ड है जो आप, जिसको आप एज ए स्टूडेंट हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी मैंने सुना है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू कि कई फॉरेन की भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अगर हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो वो भी इसको रिकग्नाइज़ करती हैं, ठीक है। अब तो ये बात हो गई कि ये तो बेनिफिट्स हो गए, एक बेनिफिट हो गया भाई फेलोशिप, दूसरा बेनिफिट हो गया कि भाई मैं ये भी कहता हूँ कि इट विल एड टू योर करिकुलम वाइट है, आपके CV में ये एक जो अवार्ड है आपके लिए, ये फेदर इन योर कैप जिसे कहते हैं, वो आपके लिए होगा। दिस विल बी अनदर फेदर इन योर कैप, राइट। जब आप अपना CV लिखेंगे तो आप लिखेंगे भाई हाँ 10th के साथ मैंने NTSC क्वालिफाई किया, फिर मैंने KVPY क्वालिफाई किया, फिर मैं IIT से या NIT से या BIT से, जहाँ से भी आपने जो है इंजीनियरिंग करी। और उसके बाद अगर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मान लीजिए प्योर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या फ़ायदा है, मैं क्यों KVPY का एग्ज़ाम दूँ, तो ये बहुत वैल्यू एड करता है आपके आपके रिज्यूमे में, आपके प्रोफाइल में, आपके करिकुलम वाइटे में, कि आपने KVPY का एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई किया है। तो पहली बात हो गई कि भाई हमें फेलोशिप मिल गई, हमारा रिकग्निशन हो गया, हम समर कैंप्स में जा सकते हैं कहीं पर भी, और चौथी चीज हो गई कि हमारे पास एक प्रिविलेज कार्ड आ गया, एक हमारे पास आईडी कार्ड आ गया KVPY का, जिससे हम किसी भी देश के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी कोई भी फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सिर्फ यही कर सकते हैं, या इस एग्जाम को पास करने से हमें कहीं एडमिशन भी मिल सकता है। तो देखिए बिल्कुल एडमिशन आपको मिल सकता है। इंडिया की अगर बात के अंदर की बात करें तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कंडक्टिंग बॉडी है KVPY की वो है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। तो IISc बैंगलोर में भी आपको एडमिशन KVPY के थ्रू मिल जाता है। अगर आपकी रैंक KVPY में 800 से नीचे है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन IISc बैंगलोर जो है वो दे देती है। और IISc बैंगलोर जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग है इसकी, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे के साथ साथ। और
आईआईएससी बैंगलोर के सिवाय आईआईएसईआर जो आप देखेंगे जेई एडवांस की एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट के थ्रू जिसमें एडमिशन होता है, उन सारे कैंपसेज में भी आप केवीपीवाई के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, एक तो आईआईएससी बैंगलोर में ले सकते हैं और आईआईएसईआर के जो सातों कैंपस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया के बाहर की बात करें तो NUS सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है KVPY के स्कोर को रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि जब आप उनके यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, आप अगर अप्लाई करेंगे आप वहाँ पढ़ने के लिए, तो वो इसका बेनिफिट आपको देगी, इसका काउंट वो लेगी कि आप जो हैं KVPY स्कॉलर हैं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बात बताऊँ कि NUS सिंगापुर वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। लास्ट ईयर उसकी जो रैंकिंग थी वर्ल्ड में वो 19 रैंक थी, 19th रैंक थी, और शायद इस बार जो है जहाँ तक मुझे अभी मैंने पढ़ा है कि वो शिफ्ट होके 11th रैंक पर आने वाली है। तो देखिए कि इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो है इंडिया के बाहर वो आपका KVPY स्कोर को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो बिल्कुल जो बेनिफिट्स थे, फेलोशिप के बेनिफिट्स थे, समर कैंप के थे, आईडी कार्ड के थे, सीवी के थे, उसके अलावा जो है इतने प्रेस्टिजियस कॉलेजेस भी आपके स्कोर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं केवीपीवाई के और आपको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम जो है आपको कहीं पर एडमिशन भी दिला सकता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सिलेबस क्या है भैया, इसका सिलेबस क्या है, जो KVPY का एग्ज़ाम है इसका क्या सिलेबस है। तो देखिए, अगर आप नोट पढ़ेंगे KVPY की वेबसाइट पे, IISc बैंगलोर के एडवाइजरी पे, तो कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया है। मतलब देर इज़ नो, ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बट जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो प्रीवियस क्लास है आपकी उस पे से वो बात आपसे करेंगे, कि यानी ऐसे एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं, जब आप SA एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी आप क्लास 11th में हैं, तो 9th-10th वाले टॉपिक्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो 9th में जैसे आप फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो 9th में आप मोशन पढ़ते हैं, 11th में आके वो काइनामेटिक्स हो जाता है, 9th में आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, 11th में भी ग्रेविटेशन हो जाता है ना, 9th में आप कुछ फ्लूइड्स टाइप का पढ़ते हैं, 11th में भी वो फ्लूइड्स हो जाता है, 9th में आप जो है सपोज करिए वर्क एनर्जी पढ़ते हैं, वो भी 11th में वर्क एनर्जी आपके पास अवेलेबल है, 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो आपके लिए 12th में जो है वो टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बन जाता है। सिमिलरली मैग्नेटिज्म आप पढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म रहता है, 10th में आप लाइट पढ़ते हैं वो आगे ऑप्टिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से जो है टॉपिक्स वो होते हैं, बट लेवल जो होता है ना वो थोड़ा वो 9th-10th वाला नहीं होता, लेवल जो होता है वो अच्छा होता है क्वेश्चंस का, वो 11th-12th वाला ही लेवल होता है। तो इसी तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो 9th-10th में थे, वो 11th-12th में जाके क्या टॉपिक्स बने हैं, वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे SA एग्जाम के अंदर, SA एग्जाम के अंदर, राइट। अच्छा, अगर हम लोग SB या SX की बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप SB या SX की अगर आप बात करते हो तो ये वही टॉपिक्स हैं सारे जो आप अपनी JEE की या NEET की प्रिपरेशन जो आप कर रहे होंगे उसके अंदर जो आ रहा है, आप एज इट इज़ पढ़ के जाके SB और SX का एग्ज़ाम दे सकते हैं। थोड़ा सा इशू जो है वो ऐसे एग्ज़ाम के लिए हैं, 11th क्लास के लिए। तो हमने काफ़ी इस पे पिछले साल के पेपर्स पढ़े हैं और मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। आप जो विद्या मंदिर का ब्लॉग है jee.vidyamandir.com jeejee.vidyamandir.com इसको लॉगिन करिएगा। इस वीक के अंदर मैं आपको ब्लॉग पे सारे के सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है ऐसे एग्जाम के लिए। SB SX के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है बहुत ज़्यादा, फिर भी उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं ये मैं ज़रूर इस वीक के अंदर इस ब्लॉग में पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो आप सारे लोग जो हैं एक वीक के बाद जो है अंदर अंदर आप jeejee.vidyamandir.com को लॉगिन करके देखिए और आपको वहाँ पर ये डिटेल्ड आर्टिकल मिल जाएगा, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ उसको भी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सिलेबस की बात ये हो गई, अब बात आ गई कि कैसे हमें तैयारी करनी है। ये मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया कि अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप पास्ट ईयर के पेपर्स को खूब अच्छी तरीके से एनालाइज़ करिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं पास्ट के पेपर्स में पूछे गए हैं, वही टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। SBSX की अगर आप बात करते हैं तो जो भी आप JEE या NEET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें
आप एज इट इज जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम जो है सीबीटी मोड है, तो सीबीटी मोड की वजह से आपको ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रिपरेशन करने के लिए है। जो विद्या मंदिर के इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, जो विद्या मंदिर के अंदर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हमने ये किताब जो है आपके सेंटर्स पे भेज दी है। अगर आप विद्या मंदिर के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों, वो ध्यान से समझ लें कि वो अपना KVPY का फॉर्म जैसे ही सबमिट करते हैं भर के, उसके क्रेडेंशियल्स अपने सेंटर मैनेजर के साथ शेयर करें, और जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल सेंटर मैनेजर के साथ शेयर कर देंगे, आपको ये बुक जो है वो KVPY की मिल जाएगी। इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं और मॉडल पेपर भी हैं, सैम्पल पेपर भी हैं, तो जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस सैम्पल पेपर बनाए गए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, KVPY का एग्ज़ाम जो है किन बच्चों के लिए हैं, जो 11th में हैं, 12th में हैं, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हमारे यहाँ पर, या जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने 11th 12th के टाइम पर शायद KVPY देने की ना सोची हो, उस समय उनको लग रहा हो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो विद्या मंदिर के, पूरे विद्या मंदिर में कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, वो इस चीज़ को देखें कि अगर उन लोगों ने इंटीग्रेटेड MSc चूज़ किया है, 5-year प्रोग्राम चूज़ किया है, डुअल डिग्री प्रोग्राम चूज़ किया है, तो अभी वो फर्स्ट ईयर में हैं, वो इस बार आराम से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इस जो फेलोशिप है इसके सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स देख रहे हों इस वीडियो को, वो जो भी नॉर्मल प्योर साइंसेज में बच्चे BSc में या BS में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो भी इस बार इस एग्ज़ाम को दें अगर वो 11th 12th में इस एग्ज़ाम को मिस कर चुके हैं। तो इसी के साथ जो है वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या जो है मेरे ईमेल saurabh.kumar@vidyamandir.com saurabh.kumar@vidyamandir.com पर मेल कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और पूरे विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से मैं आपको KVPY एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ, थैंक यू।